हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले। सबसे पहले सर हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है जो आपने अपना कीमती समय दिया है हमारे चैनल को। लोग सातवां चरण चुनाव खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ टीवी चैनल पे भी एग्जिट पोल आ रहा है कि भाजपा की सरकार बनने, उस पर आप क्या कहेंगे? आजाद बाबू, सर्वप्रथम हम बजरंग बली के धाम में दर्शन करके आ रहा हूँ और बिल्कुल पूर्णतः जनता की आवाज से हम बेहद संतुष्ट हूँ। जनता सपा के साथ है, मत दिया है, इसका गणना जो है 10 तारीख होगी। आप देखेंगे कि जो गणना होगी सपा के पक्ष में वोट पड़ी है, सपा के पक्ष में गणना आएगी और सरकार बनेगी सपा की। कुछ जनता जो कह रही है टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं, लगता है वही सही है, ये क्या है, गुमराह कर रहे हैं जनता? लोगों से मिलकर के इस तरह से वो खबर बना लेते हैं, तो ये वो तो कोई खबर हुई नहीं। जब फील्ड में आवे, जनता के बीच में आवे, धरातल पर आवे, तब सही सूचना मिले ना, क्या सही है क्या गलत है जी। तो ये खबरें अपने मन से चला रहे हैं, मनगढ़ंत खबर चला रहे हैं, वो उस खबर मिथ्या खबर है, उस खबर में कोई दम नहीं। आप केवल इंतजार करिए 2 दिन का, अपने आप दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारे लोगों को, सब जात के लोग आपको वोट दिए हैं। अखिलेश की सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव के बयार थी और बयार है। आप देखेंगे 2 दिन बाद सपा की सरकार बनेगी और सब की सपा की सरकार बनने का मतलब सब हर जात की सरकार बनेगी। इस बार हर वर्ग के लोग वोट दिए हैं और हर वर्ग की सरकार बनेगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।